अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सैमसंग की एलईडी है KO60R, जो कि 64 इंच की है। और आज हम इसके न्यू फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और किस तरह से काम करते हैं, और इसके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि किसको इसकी पिक्चर क्वालिटी को अच्छी तरह से सामने लेके आती है। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगा, और ऑन करने से पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखा दूँ, जो कि बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन का है और उसमें बटन्स इतने नहीं लगे हुए जो कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो। बहुत इजी टू यूज़ है, मैंने यूज़ किया, टोटल 4 बटन है, सारा काम उसी से हो जाता है। अभी मैंने इसको ऑन किया और यूट्यूब इस पर ओपन थी, और अभी मैं इसको बैक करूँगा, जो बाकी के इसके फ़ीचर्स हैं वो देखेंगे कि कैसे हैं। यूट्यूब इस पे आप 4K तक देख सकते हैं, क्योंकि 4K रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट करती है। अभी इसके अंदर जो दूसरे फीचर्स हैं ये आप जैसे देख सकते हैं, लाइव टीवी का नेटफ्लिक्स है साथ, ये अभी केबल के चैनल्स आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा बैक इसको करूँगा, थोड़ा आपको गाइड कर सकूँ। ये ई मैनुअल है, ये साथ वाईफाई के हैं और डायनेमिक है, मतलब कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो टीवी के स्पीकर्स होते हैं वो आप एक्स्ट्रा से जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और ये जो फीचर है, सोर्स के अंदर जाना है, अपने टीवी है, यूएसबी आप लगा सकते हैं, रिमोट एक्सेस है, बाकी जो आप इसको बाहर से जैसे यूएसबी मेमोरी कार्ड जो ऐसी चीज़ आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ये उस चीज़ के फ़ीचर्स हैं। बाकी अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो वो मैं आपको यूट्यूब ऑन करके इसकी पिक्चर क्वालिटी को भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो यूट्यूब पे प्ले की हुई है, बहुत स्मूथ इसकी पिक्चर क्वालिटी है, कोई लाइनिंग बीच में नहीं आ रही। इवन जब आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो लाइनिंग आती है बीच में, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो 1080 रेजोल्यूशन पर चल रही है, हमारे नेट की जो स्पीड थी इस पर टीवी के साथ जो कनेक्ट है थोड़ी स्लो थी, नहीं तो ये 4K तक आराम से चला लेता है टीवी, और बहुत प्यारे रिज़ल्ट आते हैं। और इसमें आपको ऐसे फील होता है जैसे कि आप सामने उस चीज़ को फील कर रहे हैं, आप वहाँ पे खुद हैं। क्योंकि मैंने जब इस पे वीडियो देखी है, इस पे मूवी दिखा के, तो मुझे खुद उस चीज़ से आइडिया हो गया था कि ये इसका जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर अगर कुछ और फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और फीचर्स हैं। इसके अंदर अपनी ऐप्स हैं ये, जिसके अंदर गेम्स भी मौजूद हैं, मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स की, और जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं। ये गेम्स आ गए हैं, वीडियो, स्पोर्ट्स गेम्स, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की LCD है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो पाकिस्तान में इसकी प्राइस है वो तकरीबन 2.5-3 लाख है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर बाय करें, बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।